अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या क्या करेगा? चलो मन तो कर रहा है कि खुद को एक जोर का रपट लगाए। अरे का जरूरत है हर बार नंदिनी जी के बारे में सोचने की? हाँ वो अमरी लगती कहाँ है? नंदिनी जी के बारे में सोचना इट इज अ बैड आइडिया। अब ज्यादा मूर्ख मत बन राज और निकाल दे नंदिनी जी का ख्याल अपने मन से। अरे वो चांद है और तू सूखे कुएं की मिट्टी। नंदिनी जी और तेरा कोई मेल नहीं हो सकता, समझा क्या? लेकिन एक बात तो है, जो उदासी हमारे दिल में वही उदासी हमने नंदिनी जी के दिल में देखी। अब वो उदासी शादी की बात को सुनकर है या हमसे, हमरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर वो हमसे हमारे दिल की बात का ये पूछ रहे हैं। उनको हम में का दिलचस्पी, उनकी उदासी हमें का उदास कर रही। उनका हर मूड हम पर भी असर करता है। ए विजंबली, क्या हम सच में नंदिनी जी से वो करने लगे हैं क्या? क्या सच में हम उन्हें अपना मान बैठे? मगर ये तो गलत है ना बजरंगली? वहां उस कमरे में आदमी कौन था? आप किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तो आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे नहीं पता कि मैं आगे आप पे विश्वास करूं या नहीं। नंदिनी, मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए भला ही है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं, वहां पे आपने रोहित और मेरे रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? आप तो सब जानते थे ना, बताइए मुझे। बस इतनी सी बात और मेरी बेटी इसके लिए इतना परेशान हो रही? शांत हो जाओ और मेरा यकीन करो नंदिनी, मैं तुम्हारी रोहित के साथ सगाई नहीं होने दूंगा। तो आपने आनंद ठाकुर को हाँ क्यों बोला? देखो नंदिनी, ये आनंद ठाकुर बहुत ही लालची और चालाक बिजनेसमैन है। मेरा उसके साथ एक बहुत पुराना हिसाब है, तो मैं उस टेढ़े इंसान को उसी की स्टाइल में जवाब देना चाहता हूँ। तो ये सब बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सब बातें एक साथ बताने वाली नहीं होती बेटा। रही सगाई की बात, तो करने दो उस आनंद ठाकुर को सगाई की तैयारियां, उछलने दो उस मेंढक को कुछ दिन और। सगाई के दिन मैं उस मेंढक की टांगें काटूंगा, मना कर दूंगा सगाई से, तोड़ दूंगा ये रिश्ता। फिर देखना उस कमीने लालची को कैसा झटका लगता है। लेकिन तेजेश्वर सर, देखो बेटा, इससे आगे तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ तुम जाओ। हे महादेव, क्या सच है और क्या नहीं? कहीं ये तेजेश्वर अपना बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? आखिर इसके मन में है क्या? लेकिन आनंद ठाकुर से आपकी क्या दुश्मनी है?
बहुत सालों पहले की बात है बेटा। अब तो आनंद ठाकुर को याद तक नहीं होगा। मेरा बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। मेरे पिता एक किसान थे। एक बार जब वो उस लालची आनंद ठाकुर से लिया हुआ कर्जा लौटा नहीं पाए तो उसने मेरे माता पिता की पूरे गांव के सामने बेइज्जती की। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना अमीर आदमी बनूंगा कि मेरे पैरों के नीचे की धूल चाटने के लिए वो आनंद ठाकुर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी। क्या आनंद ठाकुर ने आपकी मम्मी पापा की? हाँ नंदनी, इसलिए उस दिन जब उसने तुम्हारी और रोहित की सगाई की बात की तो मुझे लगा कि उसे नीचा दिखाने का यही एक मौका है। करने तो उसे सगाई की तैयारी है लेकिन सगाई से ठीक पहले उसे मना कर दूंगा। देखिए तेजेश्वर सर, मैं आपका दुख समझती हूँ पर सगाई जैसी चीज एन मौके में मना करना ये अच्छी बात नहीं है। राज नागार्जुन, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था वो सगाई वाली बात पे वही मौजूद था और उसे एक बात सुन के बहुत दुख हुआ है। आप अभी आनंद ठाकुर को फोन कीजिए और उन्हें इस शादी और एंगेजमेंट के लिए मना कीजिए, नहीं तो मैं और मेरा राज एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे इस बात को यहां से आगे नहीं ले जाना चाहिए। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं खुद उन्हें फोन करके मना कर दूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, राज तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू तेजेश्वर सर। कीजिए हाथ तो सब्जी काटते हुए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं राज बाबू। हमको पता है आप कल से बहुत ही उदास है। वो शादी का खबर आपको अच्छा नहीं लगा है ना? क्यों क्या अच्छा नहीं लगा? खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, समझी? समझ गए। भाई मेरी अम्मा, हमारी आंख में कुछ चला गया। ती चुप रहा है, क्या करें? एक मिनट हिलिए मत, हम देखते हैं आंख में कहाँ गए। थोड़ा और करीब से देखिए ना राज बाबू, करीब से देखेंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा आपको। लोकल लोबार, तेरे हाथ से एक निकल गई तो अब दूसरी को लपेट रहा है तू? अबे ओ ड्राइवर के छोरे, ये मेरी भांजी है, अगर इसकी तरफ तूने नजर डाली ना तो तेरी दोनों आंखें निकाल कर गोटियां खेल दूंगा, समझा? मामा जी हम तो चुप। दूरन। मामा जी राज कुछ नहीं किए हैं, हम सच ही कह रहे हैं। चुप। ये तितली बनकर इसके आगे पीछे मंडराना बंद कर वरना गांव की टिकट कटा दूंगा, समझी?
और सुन, ये कपड़े ढंग से डाला कर और समझ ले तू भी। ए राज बाबू, मामा जी की बात पे मत आना, अगर आना ही है तो हमारे पास आना। और पास जी पंडित जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। लो भाई, पंडित जी का फोन था, उन्होंने कहा कल शाम का सगाई का मुहूर्त निकल गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आनंद, तेजस्वर जी को जल्दी से फोन करके बताओ। नैना, बहुत सारे काम बचे हैं, चल हम चलते। अच्छा दीदी, चलो। जी जी सर, वो पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि कल शाम का सगाई का मुहूर्त निकल गया है। बहुत अच्छी खबर दी है आपने मिस्टर ठाकुर। मैं आज ही शाम को अपने फैमिली ज्वेलर से नंदनी के घर गहने और रिंग्स के डिजाइन भिजवा देता हूँ। दोनों बच्चे अपनी अपनी रिंग्स वहीं पसंद कर लेंगे। आप रोहित को भी शाम को वहीं भिजवा दीजिए। हाँ हाँ, रोहित पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए। और मैं कल की शाम हम सबके लिए यादगार बना देना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल वैसे ही होगा भाई साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। ओके, सी यू सून। ओके। रोहित, तू शाम को नंदिनी के घर चले जा और अपनी और उसके अंगूठी चूज कर ले। डैड, मैं तो शाम का वेट ही नहीं कर सकता। जीजा जी, हमारे भोले भांजे को तो इतनी जल्दी है, ये तो अभी निकल लेगा सगाई करने। राज, तू भी साथ में जाना। और हाँ, तुम भी नंदिनी के पास चले जाओ और उसको आज शाम के प्लान के बारे में सब बता दो, ठीक है? बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा हमने प्लान किया था। ये सगाई तो होकर रहेगी, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम सिर्फ अपना काम करो। नागमणि कहाँ है उसका जल्द से जल्द पता लगाओ, क्योंकि उसके बगैर हमारा यहां आना अधूरा रह जाएगा। अंडरस्टैंड? तुम यहां क्या काम है? तुमसे मतलब ना तो ये घर तुम्हारा है और ना ही मैं तुम्हारी नौकर हूं। चलो हटो मेरे रास्ते से। मैंने पूछा कि तुम यहां क्या करने आई हो। मैं यहां क्यों आई हूं ये मैं सिर्फ शिवानी दी को बताऊंगी। वो क्या है ना कि मैं चमचों के मुंह नहीं लगती। मैं शिवानी की चमची नहीं, उसकी दोस्त और उसकी बहन जैसी हूं। बहन? आहा, तुम तो उसकी सेवक हो। सेवक? सेवक?
निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बच्चों की तरह लड़ रहे हो शिवानी, इसको बोलो कि अपनी जुबान पर लगाम लगा के रखे। देखिए ना शिवानी दीदी, मैं आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी और ये प्रिया जी मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रही थी। प्रिया, रागिनी, मुझे बताओ कि क्या बात है। शिवानी दी, वो आनंद ठाकुर और सर तेजेश्वर ने कल शाम को आपके और रोहित की सगाई का मुहूर्त फिक्स कर दिया है। क्या? हाँ दीप, और आज शाम को वो किसी सुनार को यहाँ लेकर आ रहे हैं आपके रोहित की सगाई की अंगूठिया पसंद करवाने। आपके ससुराल वाले भी आ रहे हैं। कल रात को ही तेजेश्वर सर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ये सब। बस शिवानी, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। ये तेजेश्वर ठीक नहीं है। ये तेजेश्वर हमारे साथ खेल खेल रहा है और हम सबको ये अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हाँ शिवानी दीप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। नाम का जुलूस निकालो। मेरी शक्तियां मुझे क्यों नहीं इशारा दे रही हैं कि ये मोती किसके छूने से काला पड़ा, लेकिन ये जानना जरूरी है। प्रिया, मैं सर तेजेश्वर को सुबह से 50 बार फोन कर चुकी हूँ पर उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम खुद वहां जाके उनसे सब कुछ पता क्यों नहीं कर लेती। तुम ठीक कह रही हो, मुझे जाना चाहिए। नंदिनी, नंदिनी, देखो हम आ गए। और अकेले नहीं आए, तुम्हारी नई फैमिली के साथ आए हैं। अब तो तुम खुश हो ना? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और देखो तुम्हारे लिए बेशकीमती गहने लाए हैं। जो भी तुम्हें पसंद आया उस पर हाथ रख दो, तुम्हारा हो जाएगा। भाई साहब, हमारी बिटिया है इतनी सुंदर, इस पे तो कुछ भी चल जाएगा। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी अपनी अपनी अंगूठियां सिलेक्ट कर लो। ये वाली ये ज्यादा अच्छी है। रोहित, नंदिनी, कैसी लगी तुम्हें? पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरे साथ 2 मिनट कमरे तक चल सकते हैं प्लीज? चलो। एक्सक्यूज अस। क्या कहना चाहते हो आप? बाहर ये सब क्या कर रहे थे? हाँ,
कल रात को तो आपने कुछ और कहा था मुझसे। देखो नंदनी, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है वैसा ही होगा। ये तुम बार बार मुझ पर शक करके ठीक नहीं करती हो। शक नहीं करूं तो और क्या करूं? आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप अपना बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगी। मैं अभी के अभी जाकर रोहित से अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूं। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं करोगी। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं और तुम अपना बदला लेने के लिए मेरा और मेरी बेटी का नाम इस्तेमाल करो तो कुछ नहीं, और अगर वही काम मैं करूं तो गलत है। हा? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया, ठीक कह रहे हैं आप, मगर उससे आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, आपके किसी अपने को ठेस नहीं पहुंची। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं। ये खेल तुमने शुरू किया है, अब इसे खत्म मैं करूंगा, समझी? ये खेल तुमने शुरू किया है, अब इसे खत्म मैं करूंगा। ये क्या, इनकी जुबान ये किसी इंसान की तरह नहीं लग रही है। ये तो अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।